अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी फ्राइड प्रॉन्स, और इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, 1/2 kg प्रॉन्स, 1 teaspoon चिली सॉस, 1 tablespoon पेपरिका पाउडर, 1 teaspoon वर्सेस्टरशायर सॉस, 1/2 teaspoon गार्लिक पाउडर, और नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे। अब हम प्रॉन को बीच में से कट कर लेंगे, अच्छी तरह से बीच में से इसके अंदर थोड़ा सा कट मारेंगे ताकि ये बीच से कट हो जाए, और इसको हम हल्के हल्के हाथ से फ्लैट करेंगे ताकि प्रेस करेंगे ताकि ये थोड़ा सा ही प्रेस हो जाए। फिर हम सारे प्रॉन्स को इसी तरह से करके फ्लैट करेंगे। अब हमने सारे प्रॉन्स फ्लैट कर लिए हैं, अब हम इसके अंदर सारे स्पाइसेस जो हमने रखे थे वो ऐड करेंगे। अब हम सारे स्पाइसेस को इसमें ऐड करेंगे, पेपरिका पाउडर, नमक डालेंगे, और अब हम इसके अंदर डालेंगे चिली सॉस, वर्सेस्टरशायर सॉस, अब और गार्लिक पाउडर। गार्लिक पाउडर सब डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो ये मिक्स हो जाए, अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए, और अब हम इसको मैरिनेट करके रख देंगे। अब हम एक अंडा लेंगे और उसमें 1/4 cup ठंडा पानी डालकर इसको ऐड करेंगे। अब हम इसका ड्राई मिक्सचर रेडी करेंगे। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, 1 cup फ्लावर, 1/2 cup कॉर्नफ्लावर, नमक अपने हिसाब टेस्ट के हिसाब से, 1 teaspoon काली मिर्च पिसी हुई, और 1 teaspoon कुटी लाल मिर्च। अब हम सब इंग्रेडिएंट्स को एक बाउल में ऐड करेंगे। पहले हम फ्लावर ऐड कर रहे हैं, अब हम कॉर्नफ्लावर ऐड कर रहे हैं, नमक ऐड कर रहे हैं, कुटी लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं, और पिसी काली मिर्च ऐड कर रहे हैं। अब हमारे प्रॉन्स जो मैरिनेट हो चुके हैं, और अब हमारा ड्राई मिक्सचर भी रेडी है और एग मिक्सचर भी रेडी है, और हम इसको ब्रेड क्रम्स लगा के कोट करेंगे, 1/2 cup जितने ब्रेड क्रम्स लेने हैं। अब हम प्रॉन्स को एग के बैटर में मिक्स कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम इसको फ्लावर का जो बैटर हमने मिक्सचर जो बनाया था, हम उसको उसमें अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। फिर इसके बाद हम वापस इसको एग वाले जो बैटर था उसके अंदर मिक्स करेंगे, फिर इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर एग लगाकर हम इसको अब हम ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स में कोट हो जाए, और इसको हम ब्रेड क्रम्स में कोट करके प्लेट में रखते जाएंगे। सेकंड भी हम इसी तरह से करेंगे, एग में हम मिक्स करेंगे, फिर इसको हम फ्लावर के जो मिक्सचर था उसमें मिक्स करेंगे, फिर वापस हम इसको एग में मिक्स करेंगे, और फिर हम वापस इसको ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे ताकि ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। अब हमने सब पे ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह से लगा दिया है, अब हम इसको थोड़ी देर के लिए 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। अब हमने कढ़ाई ली है, इसमें ऑयल ऐड किया है, और अब हम इसके अंदर प्रॉन्स ऐड करके इसको डीप फ्राई कर रहे हैं। एक एक करके हम इसके अंदर प्रॉन्स डालते जाएंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से दोनों साइड से पक जाए। अब जब ये गोल्डन ब्राउन, हल्के से लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसको टर्न कर देंगे ताकि दोनों साइड से ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। इस तरह से हम इसको टर्न करेंगे, जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसको अच्छी तरह निकाल लेंगे। अब हम इसको निकाल रहे हैं, एक एक करके हम इसको निकालेंगे। अब हमारे क्रिस्पी फ्राइड प्रॉन्स तैयार हैं, आप भी बनाएं अपनी फैमिली के साथ, इसे इंजॉय करें।